छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर सड़क निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आगजनी की। नक्सलियों ने गुरुवार को दो वाहनों और एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। क्षेत्र में PMGSY की सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। वारदात कुकड़ाछोर थाना क्षेत्र के गोगला में हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि सड़क निर्माण बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के चल रहा था। हालांकि पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी, पुलिस चेतावनी के बावजूद हो रहा था सड़क निर्माण। जी हां, आपको बता दें, जानकारी के अनुसार एराबोर थाना क्षेत्र के लेंड्रा के पास प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नक्सलियों ने रविवार दोपहर काम रुकवा दिया और वहां लगे रोड रोलर मिक्सर मशीन सहित तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे लोगों को भी धमकाया और दूसरी ओर नक्सलियों को देख कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटा सका। इस नक्सल प्रभावित इलाके में सड़क निर्माण का कार्य बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के चल रहा था। SP सलक सिन्हा ने इस नक्सली हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने पहले ही बिना सुरक्षा के सड़क निर्माण का कार्य नहीं करने को लेकर चेताया था। हालांकि निर्माण कार्य कर रही कंपनी के अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज किया, इसके परिणाम स्वरूप यह वारदात हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।